नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी शहर में पिछले कई दिनों से कांग्रेस राष्ट्रवादी के बीच में जो घमासान चल रहा है, उस घमासान को लेकर आज हमारे बीच में ठाणे जिला की जो ग्रामीण कांग्रेस की महिला है देशमुख जानवी, देशमुख जिला अध्यक्ष जानवी देशमुख, देशमुख जी आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है और अपने बताना चाह रही है लगातार कि कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। क्या इस पूरा जो मामला ये जो चल रहा है दो चार दिन से, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? एक्चुअली प्रकाश डालना मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेन मोटो ये है कि कार्यकर्ता और मतदारों में थोड़ा सा संभ्रम है कि ये कांग्रेस की सीट है और अचानक से ये बाल्या मामा जो तुतारी है उसके ऊपर ये कैंडिडेट कैसे उन्होंने दे दिया महाविकास आघाड़ी का। तो ये संभ्रम दूर करने के लिए हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कार्यकर्ताओं में भी एक थोड़ा सा संभ्रम है, ताकि ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट है जो कि आप भी जानते हो कि छः बार दामू चिंगड़ा जी यहाँ कांग्रेस की सीट पे से चूंकि आए हैं, तावरे साहब भी आए हैं और कांग्रेस का ही खासदार यहाँ पे कई सालों से, जब से आज़ादी मिली तब से कांग्रेस का ही कैंडिडेट यहाँ से चुन के आया है। पार्टी आला कमान से कोई निर्देश आए आपको अभी तक? निर्देश आए हैं ताकि ये जो कैंडिडेट पवार साहब ने डिक्लेयर किया है वो महाविकास आघाड़ी का नहीं है। अभी तक हमारे पार्टी ने कोई भी हमें आदेश या संकेत या कोई भी हमें अनुमोदन नहीं दिया है कि हाँ ये जो बाल्या मामा है ये हमारा महाविकास आघाड़ी का है। जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं आते हैं कि यही कैंडिडेट, तब तक हम कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई भी नेता बाल्या मामा को अपना उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही हमारा मीटिंग में तय भी हुआ है कि जब तक हमें ऊपर से संदेश नहीं आता है तब तक, हमने बाल्या मामा को भी रिक्वेस्ट किया है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रशीद भाई ताहिर जी ने कल ही, कि कोई भी आपके इलेक्शन कैंपेन में हमारे सिंबल का आप उपयोग ना करें, जो भी आपके फ्लैग्स वगैरह रहेंगे उसके ऊपर हमारा पंजा नहीं होना चाहिए, ताकि अब तक कोई भी ऊपर से आदेश या कोई भी संकेत हमें मिले नहीं है। बाल्या मामा को जब से टिकट मिला है उनके जो लगातार वीडियो आ रहे हैं, लगातार जो पोस्टर्स आ रहे हैं उसमें महाविकास आघाड़ी का नाम लिया जा रहा है, बाल्या मामा खुद नाम ले रहे हैं और वो सामने से कह रहे हैं कि और पिछले दिनों जो मीटिंग हुई महाविकास आघाड़ी की, जो अभी चर्चा खत्म हो चुकी है, सिर्फ नेता संवाद कर सकते हैं, महाविकास आघाड़ी की जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो अब ये कैसे होगा कि महाविकास आघाड़ी फिर से फैसला करेगी? या फिर यो आप नहीं मानते कि 12 सीट शरद पवार जी ने जो दी है वो 12 सीट में से एक सीट भिवंडी की है, ये NCP को दी गई, वो भी महाविकास आघाड़ी में, फिर आप कैसे नहीं मान रहे, मतलब कांग्रेस वाले क्यों नहीं मान रहे? कि ताकि देखिए ये जो है हमारे नेताओं की बैठक हुई है और नेताओं ने पहले ही बोल दिया है अभी तक भिवंडी सांगली इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये जो सांगली और भिवंडी का कैंडिडेट उन्होंने अपने इसमें से डिक्लेयर किया है वो उनके बलबूते पे किया है। ऐसे में अगर उन्होंने कांग्रेस को अपने विश्वास में नहीं लिया तो आगे चल के मे भी अगर हमारे वरिष्ठ चाहेंगे तो हमारा कांग्रेस का पंजे के ऊपर अलग से लड़ी जा सकती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के बयान से, मतलब चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रही हो? मतलब मैं यही हमारे वरिष्ठों को मैसेज देना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता सब नेता, ये 5 साल के बाद ये दिन की जब हम वेट कर रहे थे कि अभी आएंगे, इतना हमने मेहनत किया है, BLO BLA हमारे बने हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत से ये कैंपेन रन किया है और अभी उसमें से जैसे हमारे मराठी में बोलते कि दुधात साकर, कि अपनी राहुल जींची न्याय यात्रा जो हमारे भिवंडी थ्रू गई है, तो इतना पॉजिटिव वातावरण तैयार हुआ है कांग्रेस के लिए। और ऐसे में अगर कोई सामने से हमारा रेडी प्लेटर छीन के ले जाए तो सब कार्यकर्ताओं में संभ्रम तो रहेगा और थोड़ा सा, तो हमारी यही डिमांड है कि आप ये अगर राष्ट्रवादी नहीं छोड़ रही है तो हम मैत्रीपूर्व लड़त लड़े
ऐसा हमारे वरिष्ठ जो नेता है, हमारे जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने डिमांड की। जो लड़त है, इस लड़त से कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि महा विकास अघाड़ी में जो दरार की जो तार रहती है वो एक तार भिवंडी से निकल रही है और जो उसका खामियाजा पूरे इंडिया गठ को जो इंडिया बना उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़े, या फिर इंडिया गठ से जो इंडिया गठ बना है भाजपा को हराने के लिए वो कहीं ना कहीं भिवंडी उसका कारण ना बन जाए, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो नहीं होगा, ताकि सबको पता है, सब जनमत को पता है और राष्ट्रवादी वालों को भी पता है कि ये कांग्रेस की सीट है और ये मांग रहे हम हमारे हक का सीट मांग रहे, हम कोई राष्ट्रवादी या शिवसेना का कोई भी सीट नहीं मांग रहे, तो अपनी चीज़ मांगने के लिए कुछ दरार क्यों खड़ी हो जाए। एक्चुअली दरार तो अब खड़ी है, जो कि हमारे हक की सीट उन्होंने छीन के ले गई है, जबकि उनके पास अपना साइन नहीं है, उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है, कोई भी BLA रेडी नहीं है। ऐसे में उनको एक दो महीने पहले आए हुए कार्यकर्ता को अगर आप सीट अलर्ट करोगे बाल्या मामा को, तो ये कितना आप आप मान रहे हो कि भिवंडी लोकसभा में राष्ट्रवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है और कमजोर है पूरी तरह से? एग्जैक्टली आप ये मतलब आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हो? एग्जैक्टली मैडम का ये कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है, जो उनको टिकट दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा में कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से उसकी नाराज़गी वो अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने नेताओं के जरिए ये नाराज़गी व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस के जो लोग हैं लगातार 3-4 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक प्रश्न इसमें और भी है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी काफ़ी है, 2-3 उम्मीदवार है, टिकट मांग रहे हैं, फ्रेंडली लड़त करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैडम एक बात, ये सवाल ये भी उठाएगा, आप अगर मैत्रीपूर्ण अगर लड़ाई लड़ेंगे तो राष्ट्रवादी भी अगर खड़ी होगी या मैत्रीपूर्ण हो गया समझो ऐसा, तो फिर उसका भी फायदा तो भाजपा को ही होगा। ऐसे में मतदार जनमत राष्ट्र BJP को नहीं होगा, ताकि पूरा भिवंडी और जो कांग्रेसी ओरिजिनल कांग्रेसी है वो तो चाहते ही है कि पंजा चाहिए हमें, और अगर लोग जाएंगे वोटिंग देने तो वो कोई दूसरा साइन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे हाथ का पंजा कहाँ पे है और पंजा पे ही वोट करेंगे। तो अगर पंजा पे वोट होता है और अगर बैलेट पेपर सिस्टम आता है, तो मुझे 100% एश्योरेंस देती हूँ मैं आपको कि हमारी भिवंडी की कांग्रेस